हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फहीम है और ये मेरा नया ब्लॉग चैनल है। इस चैनल पर हम अलग अलग जगहों के ब्लॉग शूट करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। मैंने अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत जाने वाली दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया से की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम निजामुद्दीन दरगाह पहुंच चुके हैं। हमने रोड पार करने के लिए सबवे का सहारा लिया है, अंडरग्राउंड रास्ता। आप भी अंडरग्राउंड रास्ते से ही जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब हम दरगाह के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके हैं। दरगाह की ओर जाने के लिए एक सीधा ही रास्ता आता है जिसके दोनों साइड दुकानें लगी हैं। एक तरफ घड़ियों की दुकानें और दूसरी तरफ हिजाब, तरह तरह की चादर मिल रही है जो मजार पर चढ़ाई जाती है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप, इसे निजामुद्दीन मरकज कहा जाता है और इस मस्जिद को बंगेल वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह कोविड की वजह से बंद था लेकिन अभी से खोल दिया गया। मार्केटिंग के लिए एक अच्छी जगह है ये। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मार्केटिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ कपड़े से लेकर बर्तन, जूते, चप्पल सभी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम दरगाह के काफ़ी करीब आ गए हैं। यहाँ कोने पर एक मीट की दुकान है और यहीं से हमें सीधा जाना है। ये देखिए, इधर इस्लामिक चीज़ें मिल रही है। घर को सजाने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये चीज़ें दरगाह के यादगार तौर पर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर लॉकेट, अंगूठी और इस्लामिक सीनरी भी उपलब्ध हैं। अब यहाँ से फूलों की दुकान शुरू हो गई है। दरगाह के लिए आपको फूल, अगरबत्ती, चादर, सिरनी मिल जाएगी। दरगाह में दाखिल होने के लिए अपने जूतों, चप्पल को उतारना होता है, जो अपनी सुविधा के लिए आप कहीं भी उतार सकते हैं। ये दरगाह का मेन गेट है। ये
वो दुकान है जहाँ हम दरगाह के लिए फूल और सीनरी खरीद लिया है। दरगाह में दाखिल होते ही हमें सबसे पहले अमीर खुसरो जी की दरगाह देखने को मिलती है, जो बाबा निजामुद्दीन के मुरीद और सबसे अच्छे दोस्त थे। अमीर खुसरो कलाकार संगीतकार थे। फाइनली हम निजामुद्दीन बाबा की दरगाह पहुंच चुके हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम हजरत ख्वाजा सैयद शेख निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म 19 अक्टूबर सन 1238 को बदायूं में हुआ था। अपनी जन्म के तुरंत बाद इस्लामिक कलमा पढ़ने लगे थे। दरगाह के सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज खान ने बनवाया था। आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। मजार के अंदर औरतों और लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस्लामिक परंपरा है। इसलिए ये औरतें अपने मुरादों के लिए बाहर बैठकर ही दुआ कर लेती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लंगर बैठता है और आप चाहें तो लंगर करवा भी सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग बताना न भूलें, अपने फीडबैक को कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके और अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।